कम से कम 10 जिला विकास परिषद डीडीसी के सदस्यों ने नुजहत इश्फाक डीडीसी अध्यक्ष और गांदरबल जिले के उपाध्यक्ष बिलाल अहमद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। सदस्यों द्वारा साइंड एक प्रस्ताव व संकल्प के अनुसार उन्होंने डीसी गांदरबल से जम्मू कश्मीर पंचायत राज अधिनियम के संदर्भ में सदस्यों की एक बैठक बुलाने का अनुरोध किया, ताकि बैठक में प्रस्ताव लाया जा सके और मतदान किया जा सके और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जा सके। जम्मू के लोगों को अब बिना रोक टोक के बलिदान स्थल पर जाने की अनुमति मिल गई है। अब किसी भी प्रकार की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। नगर निगम के पूर्व चेयरमैन बलदेव सिंह बलोरिया के प्रयासों से सेना ने वहां जारी पाबंदियों को हटा लिया है। अब आम आदमी भी बिना रोक टोक के बलिदान स्थल पर जाकर शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकता है। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा पिछले 15 सालों से श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक पर मूर्ति नहीं लगाने को लेकर आज उन्होंने वहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर स्थापित की। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले चंद दिनों में यहां भव्य मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार 3 छात्रों को लेकर उनके परिवार वालों ने प्रदर्शन कर कहा कि उनके पुत्र निर्दोष हैं। आपको ज्ञात हो कि पिछले दिनों भारत पाकिस्तान के बीच हुए मैच के दौरान इन छात्रों ने जश्न मनाया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये वही छात्र हैं जो प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप के तहत बाहरी राज्यों में पढ़ रहे हैं। वहीं परिवार वालों ने यूपी सरकार व उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से माफ करने और रिहा करने की अपील की। कश्मीर संभाग के कई इलाकों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की कार्रवाई चल रही है। जांच एजेंसी की टीम ने बारामूला और श्रीनगर में छापा मारा। बताया जा रहा है कि सोपोर के हैदर कॉलोनी में राशिद मुजफ्फर गनी के पुत्र मुजफ्फर अहमद गनी और उमर अयूब डार के पुत्र मोहम्मद अयूब डार के घर छापेमारी की गई। अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत डोडा पुलिस ने टाउन हॉल डोडा में जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें डोडा के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्रों ने भाग लिया। डीसी डोडा विकास शर्मा मुख्य अतिथि थे। वहीं उन्होंने प्रदर्शन करने वाले छात्रों व उपस्थित नागरिकों का स्वागत किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना और युवा पीढ़ी को नशीली दवाओं की लत और अपराधी गतिविधियों से दूर रखना है। पाकिस्तान की जीत के बाद पाकिस्तान का समर्थन करने वाले कश्मीर के नेताओं व कुछ जम्मू के नेताओं के खिलाफ आज राष्ट्रीय बजरंग दल ने बस स्टैंड जम्मू में इसका पुतला फूंक कर जोरदार प्रदर्शन किया। राकेश बजरंगी ने कहा कि हम सरकार से अनुरोध करते हुए अपील करते हैं कि देशद्रोहियों के साथ देने वाले इन नेताओं के खिलाफ भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाए और इन्हें जेल के अंदर ले जाया जाए। जब यही नेता बंद थे तब कश्मीर में अमन और चैन था, वहीं ये बाहर निकले हैं, इन्हें सांप्रदायिक जहर फैलाना शुरू कर दिया है। ये नेता वोट की खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। जम्मू में टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से आइकॉनिक वीक के तहत जम्मू तवी गोल्फ कोर्स के साथ संयुक्त रूप से महिलाओं के लिए गोल्फ टूर्नामेंट पटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में बड़े उत्साह और जोश के साथ महिलाओं ने भाग लिया। श्रीनगर के बीएड कॉलेज एमए रोड पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत एक दिन का जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में जन औषधि के सदस्यों ने भाग लिया। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले की एक 14 वर्षीय लड़की तजामुल इस्लाम ने काहिरा मिश्र में विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अर्जेंटीना की ललीना को फाइनल मुकाबले में हरा 14 वर्ष के कम आयु वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। इस आयोजन में दुनिया भर के किक बॉक्सर्स भाग ले रहे हैं, जिसमें भारत के विभिन्न आयु और वेट वर्ग के 30 खिलाड़ी शामिल थे। वहीं जीत के बाद इस्लाम ने कहा कि वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना चाहती है, साथ ही वो भविष्य में डॉक्टर बनना चाहेंगी।